नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों आज हम आपको अंडर आर्म्स के बढ़े हुए फैट और अपर बॉडी के फैट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों बाजू के पास बढ़ा हुआ फैट के कारण हमारी पीठ पर मोटापा नजर आता है और पूरा शरीर बेडॉल सा दिखाई देता है। आज हम आपको जो अभ्यास बताएंगे इनके नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने बाजुओं के फैट को दूर कर सकते हैं और अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं। अंडर आर्म्स के बड़े हुए फैट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इन अभ्यासों को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और बैठकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही किसी भी आरामदायक आसन पर आपने बैठ जाना है। अपने दोनों हाथों को कंधों के समानांतर ऐसे सीधे कर लेते हैं। अधेलियां ऊपर की तरफ रहेगी। श्वास अंदर भरते हुए दोनों हथेलियों को ऐसे कंधों पर रखते हैं, श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही इसे 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद कंधों के पार्श्व भागों से इसके बाद आपने अपने दोनों कोहनियों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने कंधों को ऐसे गोल गोल घुमाना है। जितना बड़ा आप राउंड बना सकते हैं उतना बड़ा राउंड बनाने की कोशिश कीजिए। लंबे गहरी श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद विपरीत दिशा में ऐसे अपने कंधों को गोल गोल घुमाते हैं, फिर धीरे धीरे सीधे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने माथे को ऐसे जमीन पर स्पर्श कराइए और अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। जितना आप आगे को अपने हाथों को अपने कंधों को ऐसे प्रेशर दे सकते हो उतना प्रेशर देने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे सीधे और श्वास छोड़ते हुए आगे। ऐसे ही से अप डाउन 8 से 10 बार मध्यम गति के साथ अप डाउन करते हुए प्रैक्टिस कीजिए। हमारे अंडर आर्म्स की चर्बी को दूर करने के लिए हम करेंगे कोबरा पोज। इसे करने के लिए आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। आपके दोनों कंधे ऐसे बिल्कुल अपने आपकी दोनों हाथ ऐसे बिल्कुल सीधे रहे। एक्सहेल करते हुए नीचे ऐसे ही इसे 15 से 20 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे बाजुओं पर अधिक प्रेशर पड़ रहा है और यह अंडर आर्म की चर्बी को दूर करने का सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज है। इसके बाद आप अपने एक हथेली के ऊपर से दूसरी हथेली को ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने हाथों को कोहनियों को ऐसे सीधा करते हैं। एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए पीछे, एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही से आप तीव्रता से प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने कोबरा पोज की पोजीशन पर आते हैं, माउंटेन पोज की पोजीशन पर आते हैं, चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे वीरासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही पद्मासना पर बैठ जाते हैं और अपने घुटनों के बल खड़े हो जाते हैं। और अपने दोनों हाथों को सबसे पहले ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाते हैं और इसके बाद आपने अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने हाथ को ऐसे ऊपर को ले जाते हैं और लेफ्ट हाथ को भी ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और फिर अपने धीरे धीरे अपने हाथों को ऐसे धीरे धीरे ऐसे नीचे। इसके ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को अब हम आपको पीछे से करके दिखाएंगे। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाते हैं। ऐसे घुटनों के बल ऐसे खड़े हो जाना है और अपने बाजू को ऐसे अपने कान के पास सटाते हुए धीरे धीरे अपने दोनों
जैसे ही 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस वीरासना की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो रही है और ये बाहों की चर्बी को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे अपने सिर को ऐसे बिल्कुल सीधा करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए ऐसे ही होल्ड करके रखें। धीरे धीरे अपने हाथों को खोल लेते हैं, ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे काष्ठ तक्षणासन। इसे आप वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इस अभ्यास को अगर आप 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास हमारे कंधे, हमारे बाजू, हमारी पीठ, हमारी कमर, हमारे संपूर्ण शरीर की फिटनेस के लिए सबसे बेस्ट और इजी एक्सरसाइज होती है। इस अभ्यास को खड़े होकर भी प्रैक्टिस किया जा सकता है और बैठकर भी प्रैक्टिस किया जाता है। हम ऐसे कागासना की पोजीशन पर बैठकर इस अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं, अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं, श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए जब आप आगे को आते हैं तो आपने मुंह से हा की आवाज करनी है। एक बार प्रैक्टिस कर लें। गति के साथ प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप इसे तीव्रता से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद आपने राइट साइड से प्रैक्टिस करना है, फिर लेफ्ट साइड से प्रैक्टिस करना है। यह अंडर आर्म की चर्बी को दूर करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। ऐसे धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं।